हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फार्मर जी पर। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रीप्स का ये पावर टिलर, जो कि हम पैडी मड पडलिंग के लिए अटैचमेंट्स इसमें लगाने वाले हैं। ये रहा इसका केज व्हील, जिसे हमने अभी थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ये ऊपर आप जो देख पा रहे हैं 16 mm का रॉड है, जिसे हमने पूरे राउंड में वेल्डिंग करवाया है। और ये 8-8 फीट का एक एक केज व्हील में लगेगा, और इसे अच्छे तरह से वेल्ड कर दिया गया है पूरा राउंड बना के। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, आप इसे रोड में भी ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि एक खेत से दूसरे खेत जाने के दौरान अगर आपको रोड में भी थोड़ा सा गाड़ी चलाना पड़ता है, तो उसमें आप इसे चला सकते हैं। आपको बार बार टायर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हमने इसमें किया है, और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट नहीं है दोस्तों, रॉड को राउंड करना है। और ये टायर देखिए, इस टायर को हमें लगाना पड़ता है जब आप रोड पे चलाते हैं, तो इस वजह से हमने ऐसा मॉडिफिकेशन किया है। अब इसे केज व्हील बदलने के लिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो 4 नट्स हैं जिसमें ये फिट है, उसे हमें लूज़ करना होगा थोड़ा सा। उसके बाद हम यहाँ पर जैक अप्लाई करेंगे। जैक अप्लाई जब करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी हाइट उड़ जाएगी। फिर उसके बाद हम जो लूज़ किए थे 4 बोल्ट, उसको पूरा खोल के इस टायर को बाहर निकाल लेंगे। फिर हमारा केज व्हील आसानी से लग जाएगा। बिना जैक की मदद से इस पावर टिलर को आप चेंज नहीं कर पाएंगे केज व्हील को, और मड पडलिंग के लिए बहुत ही बेहतर है दोस्तों ये पावर टिलर, जिसे 14 HP का पावर है इस इंजन में, और बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। 1 घंटे में 1.5 से 2 लीटर इसकी खपत है अगर आप मड पडलिंग करते हैं तो। पूरा रोटोवेटर की तरह काम करता है, और जहाँ पे हर जगह ट्रैक्टर जाने की सुविधा नहीं रहती, उस जगह पे ये काफ़ी बेहतर है। और आसानी से आप इसमें बैठकर इसे ऑफरोड कर सकते हैं। पीछे हाइट एडजस्टर दिया हुआ होता है। ये देखिए, जिस तरह से हमने लेफ़्ट साइड का केज व्हील लगाया, उस तरह से हमने राइट साइड का केज व्हील भी लगा दिया है। अब ब्लेड्स की बात करें दोस्तों, टोटल 20 ब्लेड्स लगे होते हैं इसमें, जिसमें आप समय समय पर चेक करते रहें कि कहीं कोई नट बोल्ट लूज़ तो नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा तेज़ चलने पर ये लूज़ हो जाते हैं। तो इसे आप समय समय पर देखते रहें कि टाइट है या नहीं। इस तरह से हमने जो जो लूज़ थे, उसे 1-2 बोल्ट्स को हमने टाइट कर दिया है, और टोटल 20 ब्लेड्स लगे होते हैं दोस्तों। उसको जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होते हैं कि लेफ़्ट साइड जो है 10 ब्लेड्स और राइट साइड 10 ब्लेड्स लगे रहते हैं, जिसका शेप दोनों तरफ का अलग अलग होता है। ये देखिए, लेफ़्ट साइड्स के ब्लेड की बात करेंगे तो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं इस तरह से, और राइट साइड का आप देखेंगे तो राइट साइड भी अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। तो टोटल 10-10 ब्लेड दोनों तरफ लगे हुए हैं दोस्तों। पैडी मड पडलिंग के लिए ये हमारी अटैचमेंट तैयार है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं दोस्तों। और ये हमारी जो मड पडलिंग के लिए हमने किस तरह से इसमें फिट किया है, वो ग्रीव्स के पावर टिलर के लिए था दोस्तों। अलग अलग कंपनी के अलग अलग केज व्हील्स होते हैं, तो इसे हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि हम इसे रोड पर भी थोड़ा सा चला सकें। यानी कि हमारे खेत अगर आजू बाजू है और हमें थोड़ा रोड से भी ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए ये केज व्हील को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है वेल्ड कराकर, और बहुत ही बेहतर है दोस्तों, क्योंकि पूरी तरह से रोटोवेटर ब्लेड्स लगे हुए हैं तो अच्छी मड पडलिंग होती है। अगर आपने खेत को पहले ही जुताई कर रखी है तो और अच्छी बात है। इंजन ऑयल और गियर बॉक्स के ऑयल, और जो रोटरी के 90 नंबर के गियर ऑयल जहाँ पर लगते हैं, उन सब ऑयल्स को समय समय पर चेक करते रहें दोस्तों, ताकि आपको इंजन को कोई भी परेशानी ना हो। रेडिएटर में जो कूलिंग वाटर रहता है, उसको आप समय समय पर चेक करते रहें, ताकि आपका जो कूलिंग है वो अच्छा सा होता रहे इंजन का। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं।